बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को भोपाल दौरा किया। उन्होंने जात पात और भेदभाव को समाज के लिए जहर बताया। उन्होंने समाज में हिंदू जागरूकता बढ़ाने और कट्टर हिंदू बनने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इसी उद्देश्य से 21 से 29 नवंबर तक राम राज पद यात्रा आयोजित की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की है कि ये पद यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार ओरछा तक निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य जात पात और भेदभाव को खत्म कर हिंदुओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि बांटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमें एकजुट होकर सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी ही होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान को लोगों ने अपनी दृष्टि से देखा। हमने देखा कि भारतीय बटेंगे तो चीन वाले और पाकिस्तान वाले हमें काट देंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आज इस्लाम धर्म के अनुयायी 6% से बढ़कर 22% हो गए, जबकि सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या 80% से भी कम हो चुकी है। हमें ब्राह्मण वैश्य कायस्थ से पहले हिंदुस्तानी बनना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जागरूक और एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारे को खत्म करना ही राम राज्य की स्थापना का पहला कदम होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को विदेशियों को पनाह देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में दुकान लगाने की अनुमति क्यों दी जाए। मेरा सीधा कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनना होगा, फिर सभी मंदिर अपने आप हमारे हो जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवा धारण करने वालों राजनीति का समर्थन करते हुए कहा कि अगर बलात्कारी भ्रष्टाचारी राजनीति कर सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं। इस देश में जात पात शिक्षा और बाकी मुद्दों पर काम होना चाहिए। बीसीसीआई के खिलाड़ियों के पाकिस्तान न जाने के फैसले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले भारत का विश्वास जीतना होगा और उसकी शरण में आना होगा, तभी हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने जाएंगे। फिर चाहे वो अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।